ये पूरा डबल बेड सारा भरा हुआ है सामान से, जो हमारी लाडो पर लोड होके जाएगा और हमारी लाडो हो जाएगी फुली लोडेड। और हम कर रहे थे पैकिंग, और पैकिंग करते करते हमारा सबसे छोटा सब्सक्राइबर आना नहीं चाह रहा वीडियो में, देखो आना नहीं चाह रहा वीडियो में। पैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट और टिकट हो चुकी है बुक। जी हाँ, लॉन्ग राइड फाइनल मोड पर आ चुकी है और हम जा रहे हैं शिरडी। जी हाँ, टिकट शिरडी की है और उसके आगे पड़ेगा करीब 700 किलोमीटर के आसपास गोवा। तो कोशिश करेंगे गोवा भी अगर विजिट कर सके तो, प्लान में है लेकिन वक्त बताएगा। और अब मैं अपने संग क्या क्या ले जा रहा हूँ, उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:20। गुड इवनिंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। माई सेल्फ धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। वंस अगेन आपका नई ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो को अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बात बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ दिखाने में फ़ायदा है कि मैं अपने संग क्या ले जा रहा हूँ। आप देखोगे तो धन्य रह जाओगे, कितना सामान है मेरी लाडो पर, ये लोड होके जाएगा। तो चलिए अब आप को मैं रूबरू करवाता हूँ अपने गैजेट्स से, अपने राइडिंग गियर से, कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ। एक बार मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ। ये पूरा डबल बेड सारा भरा हुआ है सामान से, जो हमारी लाडो पर लोड होके जाएगा और हमारी लाडो हो जाएगी फुली लोडेड। जी हाँ, आप देखेंगे ना इस तरीके से लोडेड बाइक आपने शायद पहले देखी होगी, लेकिन हाँ मैं अब आपको दिखाऊंगा कि लाडो मेरी फुली लोडेड होकर कैसे लगती है। तो मैं आपको अब एक बार राइडिंग गियर्स वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। मेरा हेलमेट बैल का, और राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, ये दोनों पूरा पेयर है राइनॉक्स का। मेरे ग्लव्स, मैं ग्लव्स दो जोड़ी लेके जा रहा हूँ, एक तो LS2 है ग्लव्स और इसके अलावा एक राइनॉक्स के ग्लव्स हैं। देखते हैं, क्योंकि ये LS2 मैं पहली बार इस्तेमाल करूँगा तो मुझे पता नहीं है किस तरीके की ये परफॉर्मेंस देंगे, हाथ को किस तरीके से रखेंगे। नहीं तो ये मैं पहले मनाली वाली राइड पर यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए इनको लेके जा रहा हूँ। ये कमर के लिए बेल्ट है, पेन नहीं हो तो आप इसको भी बांध सकते हैं, तो ये मैं साथ लेके जा रहा हूँ। और इनके अंदर क्या पहनने हैं, इनर पहनने हैं, टी शर्ट पहननी है, लोअर पहनना है, उसके ऊपर ये सारे राइडिंग गियर्स लगेंगे। इसके अलावा ये राइनॉक्स के हैं, रेन कवर है पूरा ऊपर से नीचे तक, अपन बरसात में भीगेंगे नहीं अगर गलती से बरसात होती है। प्रोटोलिन के चैन ल्यूब, चैन क्लीनर है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा में मैं क्लच वायर ले जा रहा हूँ, ब्रेक शू ले जा रहा हूँ, और एक स्पार्क प्लग ले जा रहा हूँ इन केस कोई बात ऐसी हो जाती है। सामान को बांधने के लिए बंजी कॉर्ड्स हैं, एक्सटेंशन कॉर्ड है, लैपटॉप है मेरा, DJI Mavic Mini का मेरा ड्रोन है, मैं दिखा देता हूँ आपको मेरा ड्रोन। ये मेरा DJI Mavic Mini का ड्रोन है। ये मोजा मिनी का गिम्बल है जो मैं पहली बार यूज़ करने वाला हूँ। घर पर एक आध बार मैंने यूज़ किया लेकिन वीडियो में अभी तक किसी के फुटेज नहीं आए, तो अब क्यों अब की बार इसको भी यूज़ करेंगे। तो ये मोजा मिनी का गिम्बल भी मैं ले जा रहा हूँ। इसके अलावा एक ये कप, लोग आज छोटे छोटे चाय पीते हैं ना, मुझे मज़ा नहीं आता, कम से कम डबल चाय तो चाहिए। तो मैं अब की बार, ये मैंने बहुत पहले मंगा रखा था, अब की बार इसको भी लेके जा रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं हम। इसके अलावा ये GoPro को वाटरप्रूफ रखेगा, मतलब GoPro में पानी नहीं जाने देगा, तो अगर वहाँ यूज़ करना पड़ा तो इसको भी यूज़ करेंगे। ये उसका कवर है, और ये सेल्फी स्टिक GoPro की, और इसमें मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं। ये मेरे मोबाइल का चार्जर है, देख लो आप, 100-400 कैनन लेंस ले जा रहा हूँ, अब की बार फोटोग्राफी करने का मूड है तो देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। तो ये ले जा रहा हूँ, ये मेरा राइनॉक्स का बैग है, तो इसमें मेरे सारे कपड़े हैं। उसके अलावा टैंक बैग है, और इसमें टैंक बैग में क्या रखना है, ड्राइविंग लाइसेंस है, RC है वगैरह, वो सब कुछ, पर्स वगैरह, क्यों एट ए टाइम ज़रूरत पड़ती है तो सारे बैग वगैरह खोलने नहीं पड़े, इसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये सामान किस में जाएगा, बात ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इतना सारा सामान किस में जाएगा। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, उससे पहले एक जोड़ी शूज़ ले जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे राइडिंग शूज़ हैं, ओराजो के इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मनाली राइड पर भी यूज़ किए थे, अब की बार फिर यूज़ कर रहे हैं। स्लीपर ले जा रहा हूँ, स्लीपर है, और इसके अलावा ये जेरी कैन है। जेरी कैन क्यों ले जा रहे हैं, जेरी कैन इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, क्यों, राजस्थान में महंगा है, 106 रुपये लीटर है, यूपी में 96 रुपये लीटर है। तो जब यूपी में 96 रुपये लीटर है तो टंकी फुल करवाएंगे, दोनों अपने जेरी कैन को फुल करवाएंगे, तो 10 लीटर तो इसमें आ जाएगा, पाँच पाँच लीटर की दो कैन है, इसमें आ जाएगा। उसके अलावा टंकी फुल करा लेंगे, 10 एक लीटर, 20 एक लीटर लेके चलेंगे। ये टॉप बॉक्स और ये दोनों पेनियर,
इनमें ये सारा सामान फिट होना है, तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा आराम से। तो ये है सारा सामान और ये सारी अभी मुझे पैकिंग करनी है और सुबह 3 बजे निकलने का टाइम है और करीब 8 से 9 बजे तक हम शिरडी पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर कल दर्शन होंगे, परसों दर्शन होंगे, कल रात रोज वहीं रुकेंगे, परसों दर्शन करेंगे, फिर आगे का प्लान डिसाइड करेंगे। तो ये है आज का अपडेट और अभी टाइम हो चुका है 5:30, तो अभी खाना वाना खा के मैं सो जाऊंगा और रात को उठूंगा और फिर मैं आपको सीधा बाइक पर अगर मैं दिखा सका अभी रात को तो मैं इन सबको पैक करके बाइक को फुली लोडेड करके एक बार और दिखाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद मैं यहाँ से निकल चुका हूँगा और बाकी की वीडियोस मैं आके डालूंगा क्योंकि इतना पॉसिबल, ये तो मैं लैपटॉप इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि मेमोरी कार्ड इतने कहाँ होते हैं डाटा। इसके अलावा मैं जो ले जा रहा हूँ आपको मैं बताना भूल गया, इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये मेरी शेविंग किट वगैरह तो है ही है, हार्ड ड्राइव अलग से ले जा रहे हैं क्योंकि हार्ड ड्राइव है। इसके अलावा एक ये है चार्जर है इस बाइक में लगा हुआ है लाड़ू में, तो वहाँ इसको लगा के और कुछ भी चीज़ चार्ज कर सकते हैं। और हम कर रहे थे पैकिंग और पैकिंग करते करते एक हमारा सबसे छोटा सब्सक्राइबर आना नहीं चाह रहा वीडियो में, आना नहीं चाह रहा वीडियो में आया और इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि ये छोटा सा सब्सक्राइबर मुझे भी चाहता है। ये देखो ये बहुत अच्छा बच्चा है और इतना सुंदर सा क्यूट सा है, बस पूछो। अच्छा ये मुझे जानता है, मैं इसको भी जानता हूँ, मतलब इसके फादर को जानता हूँ, अरविंद भाई साहब है हमारे, दर्राब से अंकल जी के बेटे हैं और तेजेंद्र है वो मेरे संग पढ़ा है, मेरा क्लास फेलो है, उनका बेटा है अरविंद भैया का। तो अरविंद भैया को मेरी तरफ से हेलो बोलना, सब जानते हैं मुझे, है ना। तो अब करना क्या है मेरी वीडियो देख के, सब्सक्राइब करना है, इसकी भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है। ये मेरी सारी वीडियो देखता हूँ, एक एक करके बता रहा था, अच्छा आप ये भी करते हो, आपने वो बनाई थी, ये बनाई थी, कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखना। अभी फैला रहा फैला हुआ है, मैं पैकिंग कर रहा था, ये बीच में आ गया है, तो मैंने कहा जरूर तेरी वीडियो बनाऊँ, मना कर रहा था मैं, नहीं बनानी पड़ेगी। तो चलिए अभी पैकिंग कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, अभी खाना भी खाना है, सोना भी, और रात को 3 बजे निकलना है, तो मैं दोबारा स्टार्ट हो गया। चलिए अब ऐसे दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं पैकिंग। रात को बाइक चलाने के लिए नाइट विजन ग्लासेस भी हैं जो हमने मंगाए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं रात में देखने के लिए। टॉर्च भी है, टॉर्च भी लेके जा रहे हैं। इस टॉर्च में एक ख़ास बात है, इसको बस पहिए को घुमाओ तो ये चार्ज हो जाती है, ये है। इसके अलावा ये माउंट है जो मैं शायद आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, ये बोबो का माउंट है। और इसके अलावा एक ये माउंट है, ये एक मेरा SG का कैम है, ये भी आपको अच्छी फुटेज देगा, इसको कहीं दूसरी जगह लगाएंगे। तो इस तरीके के ये माउंट है जो मेरे को अभी बाइक पर फिट करने हैं। तो ये सारी अभी तैयारी पूरी करनी है, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम और लगेगा, फिर मैं लेट थक भी जाऊंगा और लेटना भी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपडेट रहना, क्योंकि अब ये सारी वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगी करीब 2 तारीख के आसपास आएगी, 1 या 2 में आएगी, बीच में मैं आपको टाइम टू टाइम इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता रहूँगा। तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालूंगा तो आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम ID है मेरा, जो नीचे हैंडल भी आ रहा होगा आप देखेंगे, singh_dharmendra singh_dharmendra जी हाँ, लास्ट में डबल ए है, उस पर फॉलो करना है, मैं अपडेट उसी पर रहूँगा क्योंकि अब सारी वीडियो लास्ट में आएंगी। इस लैपटॉप में सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, अभी पूरा आप घूम नहीं पाते हो। अगर मान लो आपने ये काम स्टार्ट कर दिया कि हाथ की हाथ, और इतने बड़े अभी हम यूट्यूबर हुए नहीं हैं, तो आपका प्यार रहा तो इसे एक दिन एक ऐसे मुकाम पर भी पहुंचेंगे कि हाथ की हाथ अपडेट करें, हाथ की हाथ वीडियो एडिटिंग करके आपको दिया करें, उसमें भी टाइम लगेगा, आपकी कृपा रही तो जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्यार बनाए रखना। तो ये है, तो आने के बाद ही वीडियो आएंगी, तो इसलिए इंस्टाग्राम पर अपडेट रहना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, और फेसबुक पेज भी है मेरा, उस पर भी लाइक करना क्योंकि उस पर भी मैं पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ आजकल, खूब बढ़िया बढ़िया। तो ये है सीन, तो अभी हम यहाँ से तैयारी वैयारी पूरी कर लेते हैं फिर निकलते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोना भी है, खाना भी है, और अभी सारी पैकिंग भी करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो क्या करना है आपको, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना प्यार बना के रखना, मेरे ऊपर अपना दुआ आशीर्वाद बना के रखना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहना, अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी ही, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।